हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करने वाले हो। अर्निंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, तब आपके समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाता है, वहाँ पर जाकर टीम आपको टैप करना है तो ये इंटरफेस अपने सामने ओपन होकर आ जाता है। इस इंटरफेस के अंदर अपने को ऊपर की तरफ अपने को अपनी साइट का नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को अपने मोबाइल नंबर अटैच कर देने हैं एंड जो वेरीफिकेशन कोड अपने OTP के जरिए अपने पास में आते हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। पासवर्ड भी अपने को लगा देने हैं। नीचे अपने को कैप्चर कोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो कैप्चर कोड को यहाँ से पिक करना है एंड यहाँ पे अटैच कर देना है और सिंपली अपने को रजिस्टर्ड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी फटाफट से वो डिटेल इंटर कर देता हूँ। गाइस, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हम आ चुके हैं साइट के मेन इंटरफेस पे। यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर अपने को देखने को मिल जाता है गाइस, कंपनी की तरफ से जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में अपने को यहाँ पे यूजर रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है ABC का, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली अपने को कंफर्म के बटन पे टैप कर देना है। यहाँ पे TRX माइनिंग के नाम से एक एनिमेशन है वो यहाँ पे ऑनगोइंग रहने वाला है, जिसपे कंपनी की लिखी इन्फॉर्मेशन अपने सामने शो आउट कर दी जाती है। ऊपर की तरफ अपने को लैंग्वेज सेटिंग, नोटिफिकेशन बार एंड यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो 24 आवर्स अपने लिए यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे मिल जाता है अपने को इनके डिपॉजिट विड्रोल्स है, टीम सिक्योरिटी सेंटर एंड लॉगआउट जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इनके जो तीनों की तीनों अपने को अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, बेसिक, प्रमोशन एंड फाइनेंशियल। बेसिक अकाउंट के अंदर आप अपनी जो अमाउंट है वो भी चेकआउट करने वाले हो। रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड अपने को यहाँ पे 1000 TRX देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट रहने वाली है। यहाँ पे कंपनी की जो लीगल इन्फॉर्मेशन है कुछ वो अपने को देखने को मिल जाता है, कब से कंपनी स्टेब्लिश है वो अपने को देखने को मिल जाती है, कंपनी का एड्रेस अपने को देखने को मिल जाता है एंड कंपनी के जो बेसिक से प्लान है वो अपने को देखने को मिल जाता है, क्या मोटिव रहने वाला है कंपनी का वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वजीरेक्स, कॉइन मिंट, कॉइन DCX, जीनियस माइंड, बाइनेंसेस एंड बिटमैन अपने को देखने को मिल जाते हैं। डिपॉजिट कैसे करना है, यहाँ पे रिचार्ज कैसे करना है, उसके लिए सिंपली अपने को डिपॉजिट के टैब पे टैप कर देना है। उसके बाद में बेसिक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है एक कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली अपनी साइट का एड्रेस रहने वाला है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिचार्ज करने वाले हैं एंड जो मिनिमम यहाँ पे डिपॉजिट है वो यहाँ पे 10 TRX रहने वाला है, उससे नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। तो फटाफट से यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेता हूँ और चले जाता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में। गाइज, हम आ चुके हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। यहाँ पे ट्रोन को कर लेना है सेलेक्ट और सेंड के बटन पर प्रेस कर देना है। रिसिप्ट एड्रेस के अंदर जो एड्रेस कॉपी किया उसको बिजली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आपको भी सेम प्रोसेस में करना है और अमाउंट भी अपने को डाल देने, मैंने आपको पहले बताया था 10 TRX से नीचे अपने यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करने वाले, तो 10 TRX मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद में लोडिंग लेके ये इंटरफेस अपने सामने आ जाता है, यहाँ पे कंफर्म का टैब देखने को मिल जाता है, इसको टैप कर लेना फटाफट से। टैप करने के बाद में अपना जो ट्रांसफर है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अपना ट्रांसफर मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, जिसका स्टेटस यहाँ पे अपने पेंडिंग शो हो रहा है। अपने को थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए अपना पेंडिंग वाला स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देखने वाले रजिस्ट्रेशन के अंदर अपनी जो अमाउंट है यहाँ से कट कर दी गई है। तो गाइज, लेके चलता हूँ बैक आपको अपनी साइट के अंदर। यहाँ पे रिचार्ज कंप्लीट का बटन देखने को मिल जाता है, इसको टैप कर देता हूँ फटाफट से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना रिचार्ज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे माई सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने को कि अपने जो यहाँ पे इंस्टेंटली जो रिचार्ज किया 10 TRX का वो यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। अपनी जो अमाउंट है यहाँ पे 10 TRX के साथ में यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। गाइज, माइनिंग पोल के अंदर अपने यहाँ पे 6% है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो माइनिंग के थ्रू हम यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं। क्लाउड माइनिंग इज वर्किंग एंड 24 आवर्स का सेटलमेंट रहने वाला है। 24 आवर्स के बाद में रिसीव कटे हुए यहाँ पे एक्टिव कर दिया जाता है। जितने भी अमाउंट लगाते हैं उसका 6% यहाँ से हम डेली का रिसीव करने वाले हैं और इसलिए जो अपना यहाँ पे वॉलेट है उसको भी इंक्रीज करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली अपने 3 लूप देखने को मिल जाते हैं, 3 साइकिल। यहाँ पे 45 डेज का जहाँ पे 10% अपने को रिटर्न मिलने वाला है, 45 डेज का जहाँ पे 12% भी है, 45 डेज का जहाँ पे 15% भी है। जिसपे भी ये इंटरेस्टेड हो उस पर ईजिली अपने को टैप करना है, तो उससे रिलेटेड अपने पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में प्रोवाइड कर दी जाती है। स्टार्टअप एंड मैक्सिमम अमाउंट देखने को मिल जाता है, कितने दिनों का साइकिल रहने वाला, 45 डेज का 10% अपने को रिटर्न मिलने वाला वो अपने को देखने को मिल जाता है। अपने को सिक्योरिटी पासवर्ड लगा देने हैं अपने को एंड पासवर्ड लगाने के बाद में पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टमेंट के बटन पर टैप करके यहाँ पे प्रोडक्ट को बाई कर लेना है। यहाँ से हम अच्छी खासी इनकम जनरेट करने वाले हैं। शेयर के ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ से एक अपने को लिंक मिल जाता है, जहाँ पे कॉपी लिंक अपने को मेंशन किया मिल जाता है। यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स सर्कल में कर देना होता है शेयर। अपने फ्रेंड्स लोग इस साइट पे आके जितना भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं उसका 2% अपने को यहाँ पे कमीशन के तौर पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे लेवल इनकम भी अपने सामने शो आउट कर दिया जाता है। लेवल 1 पे अपने पास में 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 2% देंगे। अर्निंग रेशो भी यहाँ पे रहने वाला है, हम यहाँ पे टीम बना के भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग करने वाले हैं। नीचे अपने को यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत बताया गया है कि यहाँ पे अगर लेवल 1 का यूज़र या फिर अगर यूज़र ए को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे 100
1000 TX का रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। ए अगर बी को करता है तो 500 का देखने को मिल जाता है, एंड अगर बी ए सी को करता है तो यहाँ पे 200 TX का अपने को रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा ही एक अमाउंट रहने वाला है। टीम के बटन की बात करें तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पे लेवल इनकम का वही सेम प्रोसेस रहने वाला है, जहाँ पे 10.5 एंड 2% यहाँ पे अर्निंग रेशियो रहने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं फटाफट से आपको विड्रॉल कैसे लेना है वो भी आपको बता देता हूँ। विड्रॉल के बटन पे अपने को टैप करते हैं, अपने पास में ये इंटरफेस आ जाता है, ऊपर की तरफ में कोई विड्रॉल अमाउंट देखने को मिल जाती है। यहाँ से कितना परसेंट हम यहाँ पे विड्रॉल लेने वाले हैं वो ऊपर अपने को मेंशन किया हुआ मिल जाता है, जहाँ पे अपने को यहाँ पे मिल जाता है 0.25, जो कि अपने को यहाँ पे इजीली अपने को डाल देना है, वॉलेट एड्रेस डाल देना है अपने ट्रस्ट वॉलेट का, एंड फंड पासवर्ड डाल के अपने को सबमिट कर देना। तो फटाफट से लेके चलता हूँ आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। इस बार अपने को ट्रोन में जाकर रिसीव के बटन को एक्टिवेट कर लेना है, एंड कॉपी एड्रेस करके बैक चले जाना है अपनी साइट के अंदर। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, बाकी की डिटेल भी मैं इंटर कर देता हूँ। ऑल डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली अपने को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन सक्सेसफुल अपने पास में ऑन स्क्रीन यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है गाइज। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे जाके चेकआउट करवा देता हूँ, कितने का अपने को रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड मिला, कितने का रिचार्ज किया, एंड कितने का अपने यहाँ पे विड्रॉल लिया, सारा का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं। ट्रांसफर टू बेसिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे अपनी प्रमोशन अकाउंट है उसकी अमाउंट को कैसे बेसिक अकाउंट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डाल देनी है अमाउंट, एंड पासवर्ड भी लगा के अपने को सबमिट कर देना, तो अपनी अमाउंट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है अपने बेसिक अकाउंट में। सिक्योरिटी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है कि आप ए भी डाउनलोड करने वाले हो, एंड यहाँ पे मॉडिफाई लॉगिन पासवर्ड एंड मॉडिफाई पेमेंट पासवर्ड, इन दोनों को हम यहाँ से रीसेट करने वाले हैं गाइज। किस प्रकार से रीसेट करने वाले, अपने को यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल देने, न्यू पासवर्ड अपने को यहाँ पे लगा के सबमिट कर देना, सेम प्रोसीजर रहने वाला है यहाँ पे पेमेंट पासवर्ड का। तो इस प्रकार से ये साइट और भी ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लॉगआउट का भी ऑप्शन देखने को अपने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आपको लेके आ चुका हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पर, यहाँ पे जाके चेकअप करवा देता हूँ कि अपने जो यहाँ पे इसलिए जो विड्रॉ लिया वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पे देखने वाले हो यहाँ पे स्टेटस भी यहाँ पे कंप्लीट शो हो रहा है अपने सामने। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया। फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।